सो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम और आज की जर्नी आज हमारी होने वाली है अजमेर जंक्शन से न्यू दिल्ली तक शताब्दी एक्सप्रेस में। फ़िलहाल आज मैं हूं अपने रूम यानी कि डॉर्मेट्री होटल पर। इसका व्लॉग आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते। तो चलिए फ़िलहाल अभी चलते हैं स्टेशन की तरफ और फिर आप सबसे बात करता हूँ मैं। और ये मैं हूँ अपने डॉर्मेट्री पे, ये सामान वामान सब हमने रेडी कर लिया। अभी चलिए फ़िलहाल अब यहाँ से निकलते हैं पहले। और ये हम आ चुके हैं अजमेर जंक्शन स्टेशन और स्टेशन के सामने ही डॉर्मेट्री था। वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 100 मीटर। सो ये खड़ी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस और ये अपना कोच है C3 और 3:55 का डिपार्चर का टाइम है। अभी टाइम हो गया 3:50। आप सभी को दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, 4 मिनट बचे हैं बस। और अजमेर शरीफ में यहाँ रुकना तो सस्ता ही पड़ जाता है, 250 रुपये में आप एक दिन रुक सकते हो 2400 घंटा, लेकिन खाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। खाना अगर आप खाओगे तो एक टाइम का 150 से 200 रुपये मुझे पड़ जाता है एक टाइम का नॉन वेज में, और वेज भी उतना ही है, कुछ 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा महंगा नहीं है। चलिए एक मिनट ही बचा हुआ तो अंदर ही चल के आप सबसे बात करता हूँ फिर मैं। सो 3:57 को हम यहाँ से डिपार्चर हो गए और सामने में गरीब रथ है। इसका भी व्लॉग आप सबने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। 2 मिनट की देरी से हम यहाँ से डिपार्ट हुए। बच गए यार, हाथ अभी टकरा जाता वरना। और अजमेर को जंक्शन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह के लिए रूट डाइवर्ट हुई है यहाँ से, और किस किस जगह के लिए मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पर। और कॉस्टिंग आप सबको बता दूँ कि कितना हमने पे किया है। हमने पे किया 9,995 रुपीज़। तो डायनेमिक फेयर लगता है, कम ज़्यादा हो सकता है कि आपको मुझसे कम में मिल जाए या मुझसे ज़्यादा लग जाए। और ये फर्स्ट टाइम है हमारा शताब्दी एक्सप्रेस में। इससे पहले हमने तेजस राजधानी में ट्रैवल किया था, वंदे भारत में ट्रैवल किया, ये शताब्दी में हमारा पहली बार ट्रैवल है इसमें। और चलिए इसका वॉशरूम आप सबको दिखाता हूँ मैं। चलिए इसका वॉशरूम आप सबको दिखाता हूँ मैं किस टाइप का है। ये देखिए मिरर हल्का सा गंदा है और वॉश बेसिन, देखते पानी आ रहा है कि नहीं। चलिए पानी तो आ रहा है। और सोप, हाँ सोप भी है ही, और नीचे भी साफ ही है। चलिए बाहर चलते हैं फिलहाल अभी यहाँ से। सो यार एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा कि वॉशरूम कोई अच्छी जगह तो नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं यार कि दिखाओ, बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दो बार कमेंट सेक्शन में लोग बोले भी हैं कि वॉशरूम दिखाया करो यार। तो मैंने बोला चलो यार देख ही लो, और जिसको नहीं देखना थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा यार, सबका ध्यान रखना पड़ता है यार क्योंकि उसी वजह से। चलिए अब सीधा अंदर जाकर बैठते हैं। सो यार अब मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूँ और ये C4 में आ गया हूँ। C3 एक्चुअली मेरी कोच थी, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड था, मतलब कंजेस्टेड नहीं बोलूँगा, थोड़ी सी भरी हुई थी, तो अपन यहाँ पर आ गए। और अभी जैसे बाहर मैं देख पा रहा हूँ तो पहले ऐसा था कि यहाँ से अपन जब जाते थे रेलवे ट्रैक के थ्रू तो तारागढ़ का पहाड़ दिखता था, मतलब वहाँ की जो मज़ार थी वो भी दिखती थी, लेकिन अब पता नहीं वो दिखती नहीं यहाँ पर से। और चलिए इसका इंटीरियर आप सबको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारे शताब्दी में। आप लोग शायद बैठे होंगे लेकिन बहुत लोग नहीं भी देखे, तो मैं दिखा देता हूँ इंटीरियर किस टाइप का इसका, जस्ट अ सेकेंड।
ये यहाँ पर एक आपको ट्रे टेबल मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर है, लेग स्पेस तो अच्छी है, मेरी हाइट है 5'7" तो लेग स्पेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और यहाँ से आप अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, मेरी तो शायद ऑलरेडी रिक्लाइन ही है, फिर भी देखता हूँ होता है होती है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड। सो रिक्लाइन हो चुकी है, कितनी रिक्लाइन हुई है मेरी मैं आप सबको दिखाता हूँ। सो मेरी तो इतनी रिक्लाइन हो गई है, नो डाउट कंफर्टेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टॉप है अपना किशनगढ़, चलिए वहाँ पर आप सबसे उतर करके बात करता हूँ, 2 मिनट का ही हॉल्ट है, देखूँगा शायद ही उतरूँगा यार, क्योंकि 2 मिनट में रिस्क नहीं लेंगे अपन। और एक चीज़ और आप सबको दिखाना भूल गया, ये रीडिंग लैंप भी है, एक्चुअली इसकी रोशनी आप लोग को लगेगी कि कम है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी रोशनी है इसकी भी। ये अभी लग रहा होगा कि कम है, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी है। और ये कर्टेन भी है, धूप लगेगी तो आप गिरा सकते हो इसे भी। सो इवनिंग स्नैक्स में ये हमें सर्व किया गया, मैं आप सबको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। दिस इज़ कचौड़ी, वैसे मैं खाता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, प्रीमियम आसाम टी। और वेज सैंडविच है आई थिंक। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़, और यहां से आप दिल्ली जा सकते हो बाई फ्लाइट, एक ही फ्लाइट चलती है दिन में, एयरलाइंस एयर जो अपन बोलते हैं छोटी वाली भाई। तो बिफोर टाइम हम पहुंच चुके हैं अभी अलवर जंक्शन, और इस टाइम हम हैं अलवर जंक्शन पर, और 2 मिनट का ही हॉल्ट है, हम 3-4 मिनट पहले ही पहुंचे। और अलवर फेमस है अपने मिल्क केक के लिए, और ठंड तो लग ही रही है यार, ट्रेन में उतना पता नहीं चल रहा है कोच में, लेकिन यहाँ पे लग रहा है ठंड है भयंकर। अजमेर शरीफ में जब उतरा था सुबह 5:30 बजे तब तो दिल्ली से भी भयंकर ठंड लग रहा था, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है उस साइड, और जानते सुबह को धूप और शाम को ठंड बहुत ज़्यादा रहती है,
चलिए फ़िलहाल अंदर ही चलते हैं। और शाम को जो नाश्ता सर्व किया गया था यानी कि 4:30 बजे, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वंदे भारत से तो अच्छा ही लगा मुझे, लाख गुना ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए खाने का रिव्यू देते हैं आपको। क्या खाने में यही है, आप देख सकते हैं, चावल दाल, एक सूखी सब्जी मिक्स वेज जिसे अपन बोलते हैं, रोटी और पनीर हमने लिया और एक दही मिला है। और इसके बाद ये डेजर्ट में आइसक्रीम सर्व हुआ है हमें। अभी हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं और चलिए फिलहाल डॉर्मेट्री की तरफ ही चलते हैं। रात भर वहीं रुकना है, फिर कल सुबह हमें दूसरी शताब्दी पकड़नी, भोपाल शताब्दी। और देखिए यार, रात का 10:30-11 बज रहे हैं, पूरा सन्नाटा हो चुका है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए किस तरीके का पूरा सन्नाटा पड़ गया, वरना कितनी चहल पहल रहती थी यहाँ पर। सो यार, अब हम घर आ चुके हैं और आज की हमारी जर्नी यहीं पर एंड होती है। और रात भर हमने स्टे किया था डॉर्मेट्री में, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 में जो IRCTC लॉन्ज है उसके ऊपर डॉर्मेट्री, वहीं पर हमने स्टे किया था। और उसका वीडियो आप सब ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देते हैं, वहाँ पर जाकर आप सब देख सकते हैं। तो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही जर्नी। और खाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूं तो दोपहर में जो यानी कि शाम को जो स्नैक सर्व हुआ उसकी क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन रात का जो खाना सर्व हुआ उसका क्वालिटी एवरेज बोलूँगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब, एकदम एवरेज। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा।